नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि राशन कार्ड आपका एक्टिव है या इनएक्टिव हो चुका है या बंद हो चुका है, इसको आप कैसे चेक करेंगे, कैसे पता करेंगे, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बतलाने वाले हैं। तो वीडियो को आप जो है कंप्लीट जरूर देखिएगा, साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आया हो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग बता दें कि आपका राशन कार्ड एक्टिवेट है या इनएक्टिवेट है, इसको पता करने के लिए दोस्तों सबसे पहले तो करना क्या होगा, देखिए आपको पता करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि दोस्तों आपका राशन कार्ड अगर इनएक्टिवेट हो गया डीएक्टिवेट हो गया होगा तो आपको फिर से चालू कराना पड़ सकता है। तो आप पहले चेक कर लीजिएगा किस प्रकार चेक करते हैं, कैसे चेक करते हैं, पूरी प्रोसेस इस वीडियो के माध्यम से बदलाने वाले हैं, ठीक है। तो आप जो है देख लीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा, अन्यथा आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो किसी ब्राउजर को ओपन कर लेना है। ओपन करने के जस्ट बाद दोस्तों यहाँ पर सर्च बार दिखेगा, सर्च बार में आपको टाइप करना है ईश्रम, ठीक है दोस्तों। तो इस श्रम क्यों टाइप करना है, देखिए राशन कार्ड की जो वेबसाइट है वो अलग है और इस श्रम कर रहे बोल रहे हो तो यहाँ पर आपको ये टाइप करना है। आपको बताऊंगा आगे क्या करना है, देखिए इस श्रम टाइप करना है और टाइप करने के बाद सर्च कर देना है, ठीक। सर्च करेंगे दोस्तों फर्स्ट में आपको लिंक देखने को मिल जाएगा इस श्रम का, इस पे आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के जस्ट बाद दोस्तों थोड़ा सा टाइम लेगा तो वेट कर लेना है। वेट करने के बस जस्ट बाद दोस्तों यहाँ पर गो टू मेन पेज करके देखने को मिल जाएगा, इस पे क्लिक कर देना है। मैंने इस पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर एड आया माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 28 किस्त उत्तराखंड, इस प्रकार देखने को मिल जाएगा, इसको जो है कट कर देना है। चलिए कट कर दिया। कट करने के बाद दोस्तों नीचे देखेंगे, नीचे आ जाएंगे, इसे स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाएंगे, नीचे आएंगे दोस्तों बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर करना क्या होगा चलिए बता देते हैं विस्तार से। थोड़े से नीचे आ जाना है, नीचे आने के बाद दोस्तों इधर देखने को मिल जाएगा यहाँ पर रजिस्टर और रजिस्टर ऑन इस श्रम कार्ड, यहाँ पर देखेंगे ऑलरेडी रजिस्टर लॉगिन पे क्लिक कर देना है। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आपको जो है अलग से जो है यूजर आईडी पासवर्ड बना के जो है, अगर आपका इस श्रम कार्ड बना होगा तो आप लोग डायरेक्ट लॉगिन भी कर सकते हैं, अगर इस श्रम कार्ड नहीं बना है तो आपको इस श्रम कार्ड पहले बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं और लॉगिन वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक कर देते हैं सबसे पहले तो यहाँ पर अपना जो मोबाइल नंबर है, जो मोबाइल नंबर इस श्रम कार्ड में दिए थे वो मोबाइल नंबर डालना है यहाँ पर बॉक्स में। इसके बाद कैप्चा को डालना है, सेंड ओटीपी क्लिक करना है, ओटीपी आएगा, ओटीपी को डाल के सबमिट पे क्लिक करना है। चलिए फटाफट से डाल देते हैं, उसके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा ओटीपी आ गया है, ओटीपी को डाल के सबमिट पे क्लिक करना है। चलिए सबमिट पे मैं क्लिक करता हूँ और सबमिट पे जैसे क्लिक करता हूँ इस प्रकार से कुछ ऑप्शन खुल के आ जाता है। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो है आप लोगों को आधार कार्ड की जो नंबर है आपका, जहाँ आधार कार्ड का नंबर है वो डालना है। चलिए आधार कार्ड नंबर डाल देते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर तीन ऑप्शन दिए गए, फिंगरप्रिंट यहाँ पर जो है LRIS और यहाँ पर ओटीपी, ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर सबसे पहले तो अपना आधार नंबर फिल करते हैं। चलिए फटाफट फिल करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इस बोले बॉक्स में हमने जो है पूरा फिल कर लिया, यहाँ पर आधार नंबर फिल कर लिया, कैप्चा को भी फिल कर लिया, यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर जो है आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक रहेगा उस पर ओटीपी जाएगा, ओटीपी को डाल देना फटाफट। ओटीपी आ गया 34 20 26, इस प्रकार से आया ओटीपी, हम डाल देते हैं फटाफट से 34 20 26, इस प्रकार से ओटीपी आया, ओटीपी को हमने डाल दिया, वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। वैलिडेट के ऑप्शन पे जैसे क्लिक कर देते हैं कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाता है। इसके बाद दोस्तों स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना है और जो है यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ई केवाईसी के लिए बोल रहा है अपडेट ई केवाईसी डॉक्यूमेंट, इस प्रकार देखने को मिल जाता है, हमें ई केवाईसी नहीं करना है फिलहाल। तो अभी कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाता है, यहाँ पर देखेंगे आधार नेम देखने को, जेंडर देखने को मिल जाता है, डेट ऑफ बर्थ देखने को मिल जाता है, ये सारा चीज देखने को मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पर जो है अपडेट केवाईसी, यहाँ पर टर्म कंडीशन को एक्सेप्ट नहीं करना है, ठीक है, आपको बस इसको छोड़ देना है, यहाँ पर अपडेट इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। इस प्रकार से क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर देखेंगे बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, इस प्रकार से देखने को मिल रहा है, देख सकते हैं इस प्रकार से देखने को मिल रहा होगा, ठीक है, इस प्रकार से देखने को मिल रहा होगा। तो यहाँ पर जो है आपको करना क्या होगा, आपको जो है यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर दो ऑप्शन देखने को मिल जाता है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर जो है फोर, यहाँ पर फोर करके लिखा होगा, ठीक है दोस्तों, क्लिक हियर टू व्यू करके यहाँ पर नीचे वाले हम क्लिक कर देते हैं, नीचे वाले हम क्लिक करते हैं। इसके बाद देखेंगे दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार से कुछ ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसके बाद स्क्रॉल करते हैं, जैसे स्क्रॉल करते हैं दोस्तों बहुत सारा सर्विस यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर जो भी सर्विस का यहाँ पर हमें जो है वन नेशन वन राशन कार्ड का जो है यहाँ पर देखना है, तो हम क्या करेंगे वन नेशन वन राशन कार्ड यहाँ पर व्यू पे क्लिक करेंगे, व्यू पे जैसे क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाता है। इस प्रकार देखिए दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार से कुछ देखने को मिल जाता है, यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ सारा चीज यहाँ पर दिया गया है, आपका राशन कार्ड का पूरा डिटेल्स यहाँ पर दिया गया है। स्क्रॉल जैसे करते हैं दोस्तों यहाँ पर जो है नहीं आ रहा, ठीक है, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, जैसे यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है आपका राशन कार्ड एक्टिवेट है डीएक्टिवेट है, ये चेक करने के लिए दोस्तों यहाँ पर देखिए राशन कार्ड यहाँ पर दिखाया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर एक्टिवेट है, हमारा राशन कार्ड एक्टिवेट है। अगर यहाँ से डीएक्टिवेट हो जाता, इनएक्टिव हो जाता तो प्रॉब्लम हो सकती है, आपको राशन मिलने में समस्या हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर हमारा राशन कार्ड
यहाँ पर एक्टिवेट है, ठीक है, राशन कार्ड एक्टिवेट है। तो इसी प्रकार से चेक कर सकते हैं, चेक करने का तरीका मैंने बता दिया। तो उम्मीद करते हैं जानकारी आप लोग अच्छी लगेगी, अच्छी लगे वीडियो को लाइक करना, तमाम उसका शेयर करना। अगर मन में भी कोई सवाल होगा नीचे हमें कमेंट सकते हैं, जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेटवर्क के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुद रहो, सलामत रहो।